morning students. Today we are going to read the poem Good Morning. This is our first lesson. I am going to read this poem. See the screen. Good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run. Good morning birds, good morning trees, and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake, I am up now too. I'll be right out to play with you. ये poem है, इसे फैनी आर बुचनन ने लिखा है. इसके पोएट कौन है? फैनी आर बुचनन. ओके, इस पोयम में जो पोएट है वो स्काई को गुड मॉर्निंग कर रहा है, सन को गुड मॉर्निंग कर रहा है, लिटिल विंड्स दैट रन्स, लिटिल विंड्स मीन जो हवा धीरे धीरे चलती है उसको पोएट, उसको भी गुड मॉर्निंग कह रहा है. बर्ड्स जो पंछी हैं उनको भी गुड मॉर्निंग कह रहा है पोएट. ट्रीज जो पेड़ हैं, देखो ये स्क्रीन में पेड़ लगे हैं, पेड़ दिख रहे हैं आपको, ट्रीज उनको भी पोएट ने गुड मॉर्निंग कहा है. क्रीपिंग ग्रास, क्रीप मतलब जो घास ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये सरक रही है, ये ग्रास, ग्रास दिखाई है फूलों के आसपास जो, उसको क्रीपिंग ग्रास कहा है, उसे भी पोएट ने गुड मॉर्निंग कहा है. ब्राउनी बीज, दीज ऑल आर बीज, इनको पोएट ने कहा है गुड मॉर्निंग. पोएट ऐसा कह रहा है, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, आपको कैसे पता चला कि सुबह हो गई है. हु टोल्ड यू, आपको किसने कहा नाइट रात हैड गॉन अवे, चली गई है. आई एम वाइड अवेक, मैं अब उठ गया हूँ, बिल्कुल उठ गया हूँ. आई एम अप नाउ टू, मैं अब बिल्कुल रेडी भी हूँ. आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं अब खेलने के लिए, बिल्कुल बाहर खेलने के लिए भी रेडी हूँ. राइट आउट टू प्ले, पोएट ऐसा कह रहा है. द समरी ऑफ द पोएम इज, इन द पोएम गुड मॉर्निंग द पोएट आफ्टर वॉकिंग अप ग्रीटेड द स्काई, सन, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज. पोएट स्वागत किस किस चीज का कर रहा है? ग्रीटेड, ग्रीटेड मीन्स स्वागत करना, स्वागत मीन्स वेलकम करना. गॉट माई पॉइंट? स्वागत मीन्स वेलकम, तो पोएट वेलकम किसका कर रहा है? स्काई का. स्काई मीन्स आकाश, सन मीन्स सूरज, विंड मीन्स हवा, बर्ड्स मीन्स पंछी, ट्रीज मीन्स पेड़, ग्रास मीन्स घास एंड बीज, जो ये बीज हैं, हनी बीज जिसको बोलते हैं, मधुमक्खी वगैरह जो ये बीज हैं उनका पोएट स्वागत कर रहा है. द पोएट आस्क हाउ दे कम टू नो दैट इट वॉज डे, पोएट उनको पूछ रहा है आपको कैसे पता चला कि सुबह हो गई है, ये डे है, आपको कैसे पता चला. द पोएट सेज दैट ही इज अवेकन नाउ, पोएट ऐसा कहता है, जिसने ये पोयम लिखी है उसे क्या कहते हैं? पोएट. वो क्या कह रहा है कि अब वो उठ गया है. एंड ही वुड बी आउट टू प्ले, अब वो खेलने के लिए भी रेडी है, जा रहा है. ओके, आप सबको मुझे लग रहा है पोयम समझ आ गई होगी. तो अब हम इसकी वोकैबुलरी जो लिखी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं. विंड, W I N D, विंड, विंड मीन्स स्लो मूविंग एयर, जो हवा धीरे धीरे चलती है वो. अवेक, अवेक मीन्स क्या होता है? जाग जाना, नॉट स्लीप, सोना नहीं. वाइड, W I D E, वाइड, वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा. ब्रॉड, B R O A D, ब्रॉड. क्रीप,
Creep means sarakna, to crawl, crawl, to crawl. Little, little का मतलब तो आप सबको पता ही है, little means small. Okay, wind means slow moving air, awake means not sleep, wide means broad, creep means to crawl, little means small. Got it? I think you all got my point. Now, see the exercise. In this exercise, number one is multiple choice questions, MCQ, जिसको हम क्या कहते हैं, MCQ भी कहते हैं. Tick the correct option. MCQ में first में क्या आ रहा है, Tick the correct option. A, the grass is. Options are weeping, creeping, reaping. The grass is weeping, creeping, reaping. तो हमने पोयम में क्या पढ़ा था, the grass is creeping, तो हम creeping पे टिक करेंगे. B, the bees are, the bees are. Options are brownie, blackie, none of this. Bees are brownie, blackie, none of this. Brownie है, blackie है, कि इसमें से कोई नहीं है. तो हमने जब poem पढ़ी थी तो उसमें लिखा था bees are brownie, तो हम brownie पे टिक करेंगे. C, the girl is ready to. The girl is ready to play, sleep, go to market. कौन कौन से तीन ऑप्शन है इसमें, play खेलने के लिए, sleep सोने के लिए, या फिर market जाने के लिए, go to market. तो हमने हमारी poem में क्या पढ़ा, the girl is ready to play, तो हम किस पे टिक करेंगे, play पे. थ्री ऑप टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया. आपके लिए मैंने बुक में पहले से ये टिक इसलिए लगाए ताकि आपके लिए इजी हो, समझना भी इजी हो और आप देख के और अच्छे से समझ सकें, इसलिए दिस इज जस्ट फॉर यू. नाउ द आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ऑल थ्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड गोइंग टू रीड दिस अगेन. द ग्रास इज creeping, creeping पे टिक करा. The bees are browning, browning पे टिक करा. The girl is ready to play, तो मैंने play पे टिक करा. Okay, I think you all are got my points. आप सबको ये points समझ आ गए होंगे. अब मैं आपको fill in the blanks वो complete करवा देती हूँ. यहाँ पे जो fill in the blanks है वो आपकी शायद नहीं लिखी होंगी, मैंने ये लिखी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं. ओके, नाउ हाउ डिड यू डैश, डैश मीन्स क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स. मैंने लिखा है आपके उसमें डैश है, खाली है, तो हाउ डिड यू डैश आउट इट वॉज डैश. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फाइंड, एफ आई एन डी, फाइंड. और सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा, डी ए वाई डे. अच्छा, ये दोनों क्यों आएंगे, ये इसलिए आएंगे क्योंकि राइम में जो हमारी पोयम है उसमें जो पूरा सेंटेंस था वो ऐसे था, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, इसलिए यहाँ पे फाइंड आया और यहाँ पे डे आया. ओके, नाउ बी, यहाँ पे पहले ही ब्लैंक दे दिया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ लिखा है. This is just for your
हेलो हाँ, दिस इज जस्ट फॉर यू, ताकि आप इसको रीड कर सकें. ओके, नाउ डैश टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे. डैश टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे. ये अवे भी डैश है, ठीक है. यहाँ पे मैंने अवे लिखा है. तो डैश टोल्ड यू नाइट हैड गॉन डैश, हमारा क्वेश्चन ऐसा है. तो मैंने यहाँ लिखा डब्ल्यू एच ओ हु. मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि पोयम के अंदर यही लिखा है. हु डब्ल्यू एच ओ हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन ए डब्ल्यू ए वाई अवे. इस तरह से ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. नाउ सी, आई विल बी राइट आउट टू डैश विथ यू. आई एम टॉकिंग डैश, दैट मीन्स ब्लैंक, जो जगह है ब्लैंक उसके लिए मैं डैश यूज कर रही हूँ. ओके, नाउ आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सब अपनी टेक्स्ट बुक में, पी एल ए वाई प्ले. फोर्थ नंबर है जो डी है हमारा, वो है एंड डैश ग्रास एंड डैश बीस. ओके, नाउ एंड इन पोयम वी रीड, वी हैव ऑलरेडी रीड क्रीपिंग एंड क्रीपिंग, सी आर डबल ई पी आई एन जी क्रीपिंग एंड क्रीपिंग ग्रास एंड बी आर ओ डब्ल्यू एन आई ब्राउनी बीस. ओके, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बी, ये भी हमारा फोर्थ नंबर की जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स थी वो भी कंप्लीट हो गई. नाउ मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ जो चारों हैं, रीड करके आपको बता रही हूँ. और ब्लैंक्स में आपको पहले मैं ब्लैंक्स बता देती हूँ. फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में हमको लिखना है एफ आई एन डी फाइन, सेकेंड में डी ए वाई डे, बी के वाई में लिखना है डब्ल्यू एच ओ हु, सेकेंड में ए डब्ल्यू ए वाई अवे, सी में हमको लिखना है, इसमें एक ही ब्लैंक है पी एल ए वाई प्ले, डी में हमको लिखना है सी आर डबल ई पी आई एन जी क्रिपिंग, और सेकेंड में लिखना है बी आर ओ डब्ल्यू एन आई ई ब्राउनी. ए था जो क्या था, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे. बी क्या है, उसको कैसे रीड करे थे हमने पोएम में, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे. सी कैसे रीड की थी हमने पोएम में, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू. और डी को कैसे रीड किया था, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. नाउ आज हम थर्ड वाला जो हमारी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज क्या है, थर्ड एक्सरसाइज हमारी है राइमिंग वर्ड्स. हेडिंग, आई एम गोइंग टू रीड द हेडिंग, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑब्लिक वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम. अच्छा, राइमिंग वर्ड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी यूज, मतलब कोई भी, जैसे बैट है कैट है, बैट का राइमिंग क्या हुआ, कैट. अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं हिंदी में आपको और बताती हूँ. राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, एक हम जब कुछ भी शब्द बोलते हैं तो जिनका उच्चारण एक जैसा सुनाई देता है उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं. जैसे बैट कैट, बन सन, ये क्या हुआ राइमिंग, एक जैसे, एक ही जैसे वर्ड सुनाई देने में हमें लग रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा राइमिंग वर्ड में फर्स्ट क्या है, बी यू एन बन. तो हमारी जो पोयम में वर्ड यूज हुआ है बी यू एन बन, उसके जैसा सेम टू सेम कौन सा था, एस यू एन सन. बी है एफ एल वाई फ्लाई, तो हमारी पोयम में फ्लाई के जैसा सेम टू सेम बोलने में कौन सा वर्ड लगता है, तो वो है sky, एस के वाई sky. सी है सी ए टी कैट, सेम जो वर्ड आ रहा है कैट के जैसा,
बोलने में जो सुनाई देगा वो कौन सा है? टी एच ए टी, दैट। डी में आया है डब्ल्यू ए वाई, वे, डब्ल्यू ए वाई वे। सेम वर्ड कौन सा आ रहा है? ए डब्ल्यू ए वाई, अवे। नाउ ई में क्या है? बी आर ए डबल एस, ब्रास। और जो हमारी पोयम में यूज हुआ है सेम वर्ड बोलने में लगे वो कौन सा था? वो था जी आर ए डबल एस, ग्रास। एफ टी डब्ल्यू ओ टू, वाई ओ यू यू। जी सी ओ एल डी, कोल्ड। इन अवर रायम वी हैव ऑलरेडी रीड टी ओ एल डी, टोल्ड, कोल्ड, टोल्ड। एच डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाओ। एच ओ डब्ल्यू, हाउ। एफ आई जी एस टी, फाइट। एंड वी ऑलरेडी रीड इन आवर रायम एन आई जी एस टी, नाइट। टी आई डी ई, टाइड। द राइमिंग वर्ड ऑफ टाइड इन आवर पोयम इज डब्ल्यू आई डी ई, वाइड। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस अगेन। बी यू एन बर्न, एस यू एन सन, एफ एल वाई फ्लाई, एस के वाई स्काई, सी ए टी कैट, टी एच ए टी दैट, डब्ल्यू ए वाई वे, ए डब्ल्यू ए वाई अवे, बी आर ए डबल एस ब्रास, जी आर ए डबल एस ग्रास, टी डब्ल्यू ओ टू, वाई ओ यू यू, सी ओ एल डी कोल्ड, टी ओ एल डी टोल्ड, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एफ आई जी एच टी फाइट, एन आई जी एच टी नाइट, टी आई डी ई टाइट, डब्ल्यू आई डी ई वाइड। तो स्टूडेंट, आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट करी? फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, देन फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आफ्टर दैट फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम्स। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन टू थ्री, ये पूरी एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट करी। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में सेम इस तरह से लिखनी है। हम इसका आपको वीडियो भेज रहे हैं, आप इसको इसी तरह से सुन के कंप्लीट करना। ओके, बाय।